जानेंगे वेदांता शेयर को लेकर करेंगे, वेदांता की तरफ से कुछ और क्लैरिफिकेशन, बट स्टॉक पर आपको एक्शन इस समय दिख भी रहा है। एक सचिन जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सचिन जी जरा राय दें वेदांता के चार्ट पर। सर मेटल्स वैसे आज अच्छे मूव में है, वेदांता भी 2.25% ऊपर है। दीपांशु, फ्राइडे में भी जब ये स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था तभी भी व्यू यही था कि लगभग अराउंड 230-235 के आसपास एक अच्छा फ्लोर बेस है, एंड कहीं जाकर काफी दिनों से यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस उसके आरएसआई पे एग्जिबिट हो रहा था। तो आई थिंक इसके इसकी जो मूव थी वो इम्पेंडिंग थी एंड वो आज शायद अनलॉक हुई है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी वाली मूव बने वेदांता में। सो डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार पे रखना है। 230 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है जैसे ही 245 का लेवल निकल जाता है उसके बाद काफ़ी एविडेंट होगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेजिक्ट्री है वो कहीं जाकर थम चुकी है, एंड एक अच्छा स्विंग बनना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। सो ज़रूर अपने ट्रेडिंग बास्केट में रखें 230 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट 245 का होगा, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हो सकती है 255 तक की। के तो ये है आपके लिए वेदांता, जिस पर रखनी है नजर।